नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने चैनल कैप्चर अनसीन मोमेंट्स पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को लेकर आई हूं, मतलब आज की शाम मैं आप सभी को लेकर आई हूं गौर सिटी ग्रेटर नोएडा, जहां पर रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और यहां पर हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं उसी के एंट्री गेट पर खड़ी हूँ, जहाँ से अभी हम एंट्री करेंगे। तो ये है इसका एंट्री गेट, जो कि आप देख रहे हैं कि कितने सुंदर तरीके से इस एंट्री गेट को ही सजाया गया है। तो अब आप सोच सकते हैं कि एंट्री गेट को इतना अच्छे तरीके से सजाया गया है तो अंदर के जो हमें देखने को मिलेगा इससे कहीं ज़्यादा अच्छा हमें देखने को मिलेगा, बहुत ही सुंदर देखने को मिलेगा। अब अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलता है, क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पे हो रही हैं, साथ में रामलीला यहाँ पर हो रही है, जो कि मैं बताना चाहूँगी 26 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक ये होगा, मतलब स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 6 अक्टूबर तक यहाँ चलने वाली है। तो अगर आप ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, इंदिरापुरम के आसपास कहीं रहते हैं तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों बताना चाहूँगी ये इसका मेन एंट्रेंस है, यहाँ से तो आपके इस पंडाल की मतलब पार्क की एंट्री हो जाएगी, लेकिन ये आपका मेन गेट है। तो अगर आप इस गेट से मेन जाते हैं, जो कि गौर सिटी का मेन गेट है, ये GC1 के अंदर स्थित है ये लोकेशन, तो आप वहाँ से एंट्री करेंगे और अंदर सोसाइटी के बीच में होते हुए ये एक राधाकृष्ण पार्क है, जहां पर ये कार्यक्रम यहां पे आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों बताना चाहूँगी कि अगर नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 52, तो अगर आप मेट्रो से आने का सोच रहे हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है 52, जो कि यहाँ से हार्डली 3 किलोमीटर है। आप ऑटो, शेयरिंग ऑटो ले सकते हैं। शेयरिंग ऑटो लेंगे तो आप 20 रुपीज़ उसके चार्जेस रहेंगे, जो कि आपको गोल चक्कर पे उतारेगा, मतलब चार मूर्ति भी बोलते हैं उसको और गौर चौक भी बोला जाता है, 3 उसके नाम है। तो आप वहाँ से फिर ई-रिक्शा करते हुए आएंगे, वो भी शेयरिंग होगा, वो भी आपसे 20 रुपये चार्ज करेगा। अगर आप डायरेक्ट ऑटो लेते हैं, जो कि हार्डली अराउंड 60 to 100 के बीच में वो चार्ज करेगा। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट आते हैं, अगर ऑटो भी शेयरिंग कर रहे हैं तो डिपेंड करेगा 30 to 40, डायरेक्ट आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो चलिए, वेट किस बात का दोस्तों, इस के अंदर हम चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस पंडाल को। आइए मेरे साथ। दोस्तों, अब मैं आपको ले चल रही हूँ उस जगह जहाँ पर श्री राम जी की आरती शुरू होने वाली है। तो चलिए। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं प्यारी तुमको मनाऊं, आरती उतारूं प्यारी तुमको मनाऊं, आवाद बिहारी तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम राजत जोरी कनक सिंहासन राजत जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी युगल छवि को सदा निहारूं युगल छवि को सदा निहारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। दोस्तों आप यहाँ का अरेंजमेंट देख रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है, जिससे यहाँ के जो लोग हैं और बाहर से जो आ रहे हैं वो कल्चरल प्रोग्राम और रामलीला का आनंद ले पाए। बताना चाहूँगी यहाँ पे जो कल्चरल प्रोग्राम है वो 6 से 7 के बीच में होता है और उसके बाद ऑनवर्ड्स रात के 10 साढ़े 10 बजे तक यहाँ पे रामलीला हो रही है, जो कि 26 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है और 6 अक्टूबर तक चलने वाली है। और अभी आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे स्टेज बनाया गया है, लाइट्स का अरेंजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे किया गया है दोस्तों। और यहाँ पे जो आप अभी देख रहे हैं भीड़, तो अभी ये कम है, धीरे धीरे भीड़ आने लगेगी और ये जो जगह है पूरी भर जाएगी। और क्योंकि कुछ ही मिनट बचे हैं यहाँ पर अभी कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट होने में, तो अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि किस तरीके का कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पे होता है और रामलीला भी होती है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कल्चरल प्रोग्राम और उसके बाद मैं आपको घुमाती हूँ ये सेंट्रल पार्क। द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च। मोह का पाश तेरा अंत अब निश्चित है, होगा तेरा सर्वनाश। शांत हो जाइए देवी माँ, शांत हो जाइए। तालियां बजती रहनी चाहिए। अंत मिश्रा जी भाई साहब मंच पर हैं जो इन बच्चों को ट्रॉफी दे रहे हैं, साथ में हमारे शिखर गुप्ता जी और श्री आशीष जी कैच मसालों से। अरुणिमा, किवी, कनक सिंहासन राजत जोरी कनक सिंहासन राजत जोरी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं गौर सिटी के रामलीला मैदान में आई हुई हूँ और यहाँ पर मेरे पीछे आप अभी देख रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं बाउंसी। तो ये है इंचार्ज इनके, जिनसे हम पता करेंगे कि क्या रेट है। तो आप बताएंगे कि क्या इसके रेट है और मतलब क्या प्राइजेस रहेगा इसका। 100 रुपीज़ पर चाइल्ड है, 10 मिनट्स की ड्यूरेशन। 10 मिनट्स की ड्यूरेशन कितने? 100 रुपये। तो ज़्यादा नहीं ले रहे हो आप? हम एक्चुअली गौर सिटी है और आगे भी हमें पे करना होता था, इस अकॉर्डिंग थोड़ा सा। तो ये कितने बजे स्टार्ट करोगे और कितने बजे इसका टाइम एंडिंग है? इवनिंग में 6 PM को स्टार्ट हो जाता है और लास्ट है 10:30। अच्छा, कोई एज बार मतलब बच्चों का कोई एज बार है इसमें? 6 to 10 years के बच्चों के लिए और उससे अबव कहीं अगर है तो बच्चे चाइल्ड। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अब मैं लेकर आपको आई हूँ यहाँ पर, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि गन शॉट से पीछे जो बैलून है वो फोड़े जाते हैं। तो पता करते हैं क्या इनके प्राइसेस है और कितने शॉट्स मिलेंगे हमें। बताएंगे कितने शॉट्स हमें मिलेंगे और क्या रेट है इसका। 50 के 6 है, 6 में 6 बार मारना है आपको। गन शॉट, बैलून, निशाने हैं। अच्छा, तो इसमें कोई प्राइस भी है या प्राइस नहीं है? निशाने लगाए जाते हैं। निशाना लग गया तो उसके बाद कुछ नहीं है। अच्छा, उधर रिंग हो रहा है, उसके क्या चार्जेस और कितने टर्न हमें मिलेंगे? 50 के 6 है, 6 में 6 बार डालने हैं। 6 रिंग आ गए तो आपको 6 चीज जो रिंग आएगा वो मिलेगा। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस प्रशासन का जो इंतज़ाम किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से इंतज़ाम किया गया है। और यहाँ पर जो अभी आप देख रहे हैं तो यहाँ पे बड़े अधिकारी भी आए हुए हैं इंतज़ाम को चेक करने के लिए। खुशियों का फिर से स्वागत होगा। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों इसी ओर आते हैं। श्री राम, चलो यमपुर के द्वार पहुंच जाओ, मार डालो पुत्र इसको। देख करके जनक नंदिनी राम को, देख करके जनक नंदिनी बाग में वो खड़ी रह गई। राम देखे सिया ने, सिया राम को चारों आँखियाँ लड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी। भारतीय संस्कृति की जय श्री राम। दोस्तों यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे बंजी जंपिंग है और यहाँ पर साथ में एक नाव वाला झूला लगाया गया है, जहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चों के साथ बड़े भी एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताना चाहूंगी जो कि 10 मिनट की राइड है जिसका फेयर है 100 रुपीज। तो यहाँ पर मोस्टली आपको जितने भी राइड्स देखने को मिल रहे हैं तो सबका जो टाइम दिया गया है वो 10 मिनट दिया गया है और सबका फेयर ऑलमोस्ट 100 रुपीज है। और अगर आप चाहते हैं तो रिपीटेटिव कर सकते हैं, 10-10 मिनट बढ़ाते जाएंगे तो 100-100 रुपए आपके बढ़ते जाएंगे। तो चलिए अब अभी और एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे देखने के लिए और क्या क्या है, आइए। दोस्तों यहाँ पर 2 फूड कोर्ट हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे थे, दूसरे ये जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे करना होता है जो आप ऑर्डर दे रहे हैं, और ये है सामने आपका मेन्यू जो लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स यहाँ पे लगे हुए हैं विद प्राइस। और दूसरा है ये फूड कोर्ट जो कि मैं अभी आपको ले चल रही हूँ, जहाँ पर आप यहाँ का भी मेन्यू देख पाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है और क्या है उनके प्राइसेस। तो देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गोलगप्पे की दुकान लगाई गई है, जहाँ पर कितने सारे लोग आए हुए हैं। तो चलिए इनसे पता करते हैं कि ये जो प्लेट दे रहे हैं कितने रुपए की इनकी प्लेट है। भैया कितने रुपए की प्लेट है आपकी? 20 का 6 है मैम। 20 का 6। तो कुछ अलग भी दे रहे हो क्या, जैसे पापड़ी और वगैरह रहेगा? खट्टा पानी, मीठा पानी? खट्टा पानी है, मीठा पानी है और सूखा पापड़ी नहीं है। और टाइमिंग क्या है आपके शाम के? वही 6 से 10 है। 6 से 10। थैंक यू। भैया आप क्या बना रहे हैं इन मटकों में? मैम मटका में इसमें एक मटका दम बिरयानी है मैम। ये दम बिरयानी वेज? हाँ जी, वेज मटका दम बिरयानी। ये मटका सूप है, ये मटका बिरयानी। और क्या है इनके प्राइसेस है? फुल 100 का है, हाफ है 60 का, ये वो लोग फुल 100 का। इसके अलावा मैम इसके छोले भटूरे हैं। और वो कितना पर प्लेट है? 80 का प्लेट। और सूप है ये मैम। अच्छे रिव्यूज हैं, रिव्यूज अच्छा है। आप खा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है इसका टेस्ट? रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल मैडम, खत्म हो गई अभी, और ले लीजिए। अब वो मैं देख रही हूँ, अभी मैंने फोटो क्लिक करना चाहा बट है नहीं, सब खत्म हो गया है। मेरे को और ले लीजिए। ओके मैं कल भी रहूँगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को लेकर आई थी गौर सिटी राधे कृष्ण पार्क, जहां पर रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। तो अभी मेरे साथ यहां पर सर बैठे हैं, तो हम जानेंगे यहाँ पर किस तरीके से ये जो आयोजन किया जा रहा है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है और भी जो भी जानकारी है, सारी जानकारी हम सर से लेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका कैप्चर अनसीन मोमेंट्स पर। सर आपका शुभ नाम? मनीष श्रीवास्तव नाम है मेरा। सर आप यहाँ पर क्या मतलब? मैं यहाँ मीडिया देता हूँ, मीडिया प्रभारी है मेरा दायित्व यहाँ पे। अच्छा। ये जो प्रोग्राम है रामलीला सेवा ट्रस्ट जी के द्वारा आयोजित किया जाता है। ये एक काफ़ी बड़ा ट्रस्ट है, इसमें 125 से 150 के करीब मेंबर्स हैं और इसमें सभी को कोई ना कोई विभाग हम बांट देते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टीम्स बनाते हैं, कोई मंचन की टीम होती है, कोई सिक्योरिटी देखता है, कोई मीडिया देखता है, कोई मेला देखता है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कई सारी टीम्स हम बनाते हैं। और सिटी में किया जा रहा है रामलीला, तो ये कितने साल से यहाँ पे किया जा रहा है? ये 5वां वर्ष है हमारा। ये 2018 में इसका पहला वर्ष था और आज हम 5वें वर्ष में रामलीला कर रहे हैं। बीच में 2 वर्ष कोविड का टाइम रहा, तो कोविड में हमने इतने बड़े लेवल पे ना करके, जो प्रशासन की जैसी गाइडलाइन थी 200-300 लोगों के साथ, उनको ही हमने दर्शक बनाया था। 200-300 लोगों को टोकन से एंट्री देते थे और टर्न बाई टर्न पहले 200 आते थे, फिर वो बाहर जाते थे, फिर नेक्स्ट 200 आते थे, ऐसे करके करीब 1000-1500 लोग फिर भी फुटफॉल बना रहता था। इस बार यहाँ रामलीला में और जो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, तो खास क्या है जो कि पिछले साल से अगर मुकाबला देखा जाए तो खास क्या रहेगा यहाँ पर? इस बार सबसे बड़ी खुशी की बात तो हमारे लिए ये है कि सारे रिस्ट्रिक्शंस खुल गए हैं। बिल्कुल अनलिमिटेड हम क्राउड को बुला सकते हैं। हाँ, 2 साल से सब लोग बिल्कुल घरों में फंसे हुए थे, कैद में महसूस कर रहे थे, तो अब उनको बड़ी खुशी हो रही है। यहाँ बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सारे के सारे आ रहे हैं, रोज रामलीला का आनंद ले रहे हैं। इस बार हमने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। हम पहले जो सेट्स बनाते थे, हम फिक्स सेट्स बनाते थे, इस बार हमने एक चेंज करके 400 स्क्वायर फीट की अपनी LED पे इसको हम ग्राफिक्स के द्वारा 3D जो होते हैं इफेक्ट्स के साथ, उसके साथ हम मंचन कर रहे हैं। सर बताया जा रहा है गौर सिटी मॉल जहाँ पे गोल चक्कर है, वहाँ पर भी एक LED लगा है, तो वहाँ पे डायरेक्ट दिखाया जा रहा है। गौर सिटी मॉल में एक अंदर LED है, एक चार मूर्ति चौराहे पे गौर सिटी सेंटर में एक बाहर की तरफ LED है, उन दोनों पे भी लाइव फीडिंग हमारी चल रही है। तो मतलब जो मॉल में भी लोग जा रहे हैं वो भी रामलीला का आनंद ले पा रहे हैं, चलते चलते भी रामलीला देख सकते हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आसपास के जितने भी सोसाइटी है वो देख पाए, जो यहाँ पे मुश्किल से ना उनको मौका मिल पाए कि ना आ पाए, या जो ऑफिस गोयर्स हैं या जो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, अपना यूट्यूब झलक तो देख ही सकते हैं चलते चलते एटलीस्ट, ये है। तो लोग बात काफी सराहना भी कर रहे हैं। तो सर ये जो कार्यक्रम है कब स्टार्ट हुआ था और कब तक ये चलने वाला है और क्या इसके टाइमिंग्स रहेंगे जो कि हमारे व्यूअर्स को पता चल पाए? ये हुआ था 26 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, मंडे ऑनवर्ड, मंडे, और 6 अक्टूबर को ये लास्ट हमारा मंचन होगा। इस बीच में हमारे मुख्य कार्यक्रम 2-3 रहेंगे। 30 सितम्बर को राम बारात का आयोजन होगा, जिसमें हम पूरे गौर सिटी 1 और 2 में से एक पूरा प्रोसेसन बारात निकलेगी राम जी की, उसमें काफी लोग शामिल होते हैं। उस टाइम तो ट्रैफिक बहुत हो जाएगा, तो कैसे प्रशासन उसको ध्यान में कैसे रखेगी? हमारे साथ करीब 300-400 के आसपास हमारे वॉलंटियर्स हो जाते हैं। अच्छा। प्लस पुलिस का, हमारे प्रशासन का हमारा पूरा सहयोग रहता है। हम उनको पहले ही एक ट्रैफिक रूट हम दे देते हैं, एक रूट हम अपना यात्रा का दे देते हैं, उस हिसाब से वो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर देते हैं और कुछ रोड्स पे बैरिकेडिंग कर दी जाती है, कुछ रोड्स को डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो लोगों को भी पहले से ये हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं, तो उनको परेशानी। आसपास यहाँ के जो सोसाइटीज़ के लोग रहते हैं तो उनको तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती होगी। नहीं, हमारा टाइमिंग्स ऐसा रहता है ना कि जैसे जब लोग लौटना शुरू कर रहे होते हैं, उस समय तक हम ब्लैंक रोड पर पहुँच जाते हैं, जिस रोड पर कोई ट्रैफिक नहीं है, साइड वाली रोड से। और जब हम दोबारा अंदर घुस रहे होते हैं 9-9:30 बजे के आसपास, तब तक मेन जो पीक आवर्स हैं वो खत्म हो चुके होते हैं। आपने पीक आवर्स को अवॉइड कर दिया। तो ये हमारी पूरी प्लानिंग इस तरह से है कि मतलब लोगों को मिनिमम परेशानी हो। अब हाँ, तो यहाँ पे और क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं इसके अलावा? एक हमारा बहुत बड़े लेवल पे जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं वो है करीब 150 कन्याओं का पूजन मंच पर से। 150 कन्या, आजकल एक हम इससे सोशल मैसेज देना चाहते हैं। आजकल हम न्यूज़ में पढ़ते हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं, कहीं उनका शोषण हो रहा है, तो इस तरह के मैसेज हम देना चाहते हैं समाज में कि बालिकाओं को हमारे यहाँ हमेशा से पूजनीय माना गया है। छोटी छोटी बालिकाएं, हम उनका पूजन करके ये सबको संदेश देना चाहते हैं। तो क्या समय रहेगा सर और कौन सी डेट? उसका समय रहेगा हमारा 5:30 से 5:30 ऑन। हाँ, संडे को रहेगा ये 2 अक्टूबर के दिन। इसके अलावा एक और जो बड़ा इवेंट है इसी रामलीला का, वो होता है रावण दहन का कार्यक्रम। रावण दहन का कार्यक्रम हम स्टेडियम में करते हैं, गौर सिटी स्टेडियम, और गौर से इसकी हम परमिशन ले लेते हैं और वहाँ पे हमारा रावण का बनने का काम चल रहा है। रावण लगभग तैयार हो चुका है और एक दो दिन में पुतले खड़े हो जाएंगे उसके, और ये करीब इसमें 10-12 हज़ार लोग रहते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं जैसी प्रशासन परमिशन देगा। तो 2 दुर्गा पूजा भी होती है यहाँ गौर सिटी में। 3 बड़े पार्क हैं, एक ये राधाकृष्ण पार्क, दूसरा दादा दादी पार्क, तीसरा लेक व्यू पार्क है। तो इसमें राधाकृष्ण पार्क में रामलीला और बाकी 2 पार्कों में दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। बंगाली कल्चरल कमेटी है तो दादा दादी पार्क में कर रही है, और एक और कल्चरल कमेटी है दुर्गा पूजा कमेटी। हाँ सर, ये तो मुझे पता है कि केदारनाथ थीम पे ऑलरेडी मैंने शेयर किया अपने व्यूअर्स के साथ, जो कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं वहाँ का भी कवर करूँ दुर्गा पूजा, और अपने व्यूअर्स को दिखाऊं कि किस थीम पे और किस तरीके से पंडाल यहाँ पे बन रहा है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना समय दिया और पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ की दी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको दिखाया है, जैसा कि आप सभी को पता है कि गौर सिटी ग्रेटर नोएडा में आपको लेकर आई हूँ, जहाँ पर रामलीला किया जा रहा है और जो कि 26 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक होने वाला है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी और रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पर आएँ, विजिट करें और इस रामलीला में को देखें, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। और साथ में दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल पाए कि गौर सिटी में रामलीला आयोजित किया जा रहा है। और अगर आप ग्रेटर नोएडा या नोएडा में रहते हैं तो आप आ सकते हैं यहाँ पर। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 52, तो आप अपने व्हीकल से भी आ सकते हैं, बाहर पार्क कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन शाम को यहाँ पे रश हो जाता है, तो हो सकता है आपको पार्किंग थोड़ा दूर करना पड़े और आपको बाई वॉक करके आना पड़ेगा यहाँ पे। और अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 52। साथ में दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग कैप्चर अनसीन मोमेंट्स।